आज बहुत शॉर्ट नोटिस में हम आपसे मिल रहे हैं। आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हिमाचल छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बार खबरों में चलता जा रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर कवरेज जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को मिली, स्वाभाविक रूप से उससे राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो सामाजिक क्षेत्र हैं उसमें भी और मीडिया में भी, किसी अच्छे विषय को लेकर के अगर प्रदेश की चर्चा हो तो प्रदेशवासियों का सर गर्व के कारण जो है वो ऊंचा होता है, छाती चौड़ी होती है। लेकिन ये दुर्भाग्य हम सब हिमाचलवासियों का कि जिन मुद्दों को लेकर के हिमाचल सुर्खियों में आया तो उन मुद्दों के कारण हिमाचल का सिर नीचा हुआ है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी और पेंशन का विषय था, हिमाचल समय पर देने में सफल नहीं हो पाया। चाहे हिमाचल प्रदेश में सत्ता को हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले जो झूठी गारंटी थी जिनको वो पूरा करने में असमर्थ हुई है और जिनसे मुख्यमंत्री ने तो मुंह ही मोड़ दिया है। चाहे हिमाचल प्रदेश में संजौली में जो घटनाक्रम घटित हुआ, मस्जिद विवाद, उसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए, और चाहे उसके बाद आगे बढ़ करके एक बहुत ही ऐसा विषय जो जिस पर पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश हंस रहा है, हिमाचल प्रदेश की जग हंसाई हुई है, और वो टॉयलेट टैक्स है। ऐसे मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश की खबरें बनी, और ऐसे में मेरा यह मानना है कि हिमाचल प्रदेश में लोग जो सत्ता में आज की तारीख में हैं, क्या ये फैसले वो सोच समझ करके कर रहे हैं? क्या ये फैसले वो केंद्र सरकार के केंद्र के जो इनके कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनके कहने पर कर रहे हैं, या ऐसी परिस्थिति है कि मुख्यमंत्री फैसले किया जा रहा है, कैबिनेट और उनके पार्टी के साथी उन फैसलों से अवगत ही नहीं है? फैसले लेने के बाद उनको जानकारी हासिल होती है जो कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता बोल रहे हैं, जहां तक कि उनके मंत्रिमंडल के सदस्य बोल रहे हैं कि नया तरीका इस प्रकार से सरकार चलाने का हिमाचल प्रदेश अनुभव कर रहा है। मैं मित्रों इस बात को लेकर के बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, आज भी हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस का पूरा होने जा रहा है। अगर कहीं उद्घाटन हो रहा है तो उद्घाटन उसी योजना का हो रहा है जिसका शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार में रखा गया है। उद्घाटन और शिलान्यास उन्हीं योजनाओं के हो पा रहे हैं जिन योजनाओं के लिए पूर्व की सरकार ने, चाहे वो पैसा केंद्र से दिया था, चाहे वो प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से से दिया था, अपने बजट में से दिया था, उन्हीं योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहे हैं। 2 साल का कार्यकाल बहुत लंबा कार्यकाल होता है। एक भी योजना हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार की ऐसी नहीं है जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने साथ अपने सत्ता में आने के बाद की थी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, और उसके बाद वो आज वो तैयार होकर के उद्घाटन के लिए तैयार हुई हो, एक भी योजना नहीं है। और मैं यूं कहूंगा कि स्कूल का एक कमरा तक भी 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो पाई, और इसलिए निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश ठगा सा महसूस कर रहा है। आज भी मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी, सुबह से खबर आई कि सुबह मुख्यमंत्री जी पैदल ही निकल पड़े आईजीएमसी,
सैर करने के लिए गए थे बता रहे हैं, फिर औचक निरीक्षण किया, अच्छी बात है निरीक्षण किया, लेकिन उसके बाद दोपहर को फिर आईजीएमसी जाकर के उद्घाटन करने के लिए गए। आज की ही तारीख थी, तय की है तुमने उद्घाटन के लिए भी और औचक निरीक्षण के लिए। चलो खैर, उस सारी चीज को लेकर के मैं कुछ कहने नहीं चाहता, लेकिन मैं इतने में जरूर कहना चाहता हूं, आज अगर ट्रॉमा सेंटर का वहां पर उद्घाटन हुआ है जिसमें एक भी शब्द, मैं सुन रहा था उनकी बाइट को, एक भी शब्द जो है वो केंद्र सरकार का धन्यवाद के लिए अपने मुंह से नहीं निकाल पाए। ये ट्रॉमा सेंटर अगर दिया है तो केंद्र की सरकार ने दिया है, और केंद्र की सरकार ने देने के बाद हमने इसका शिलान्यास किया था। 12 करोड़ 60 लाख की लागत से 2018 में इसका हमने शिलान्यास किया था। आज वो भवन बन करके तैयार हुआ है। मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, और निश्चित रूप से उस वक्त भी आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्र में मंत्री थे, उनका बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से रहा हिमाचल प्रदेश में ट्रॉमा सेंटर के लिए भी। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जो कैंसर के लिए जो अलग से बिल्डिंग का प्रावधान करना, उसके लिए भी उन्होंने बजट का प्रावधान किया, इक्विपमेंट के लिए भी बजट का प्रावधान किया। 28 करोड़ 45 लाख रुपए इक्विपमेंट के लिए दिए गए थे, ये केंद्र सरकार ने दिए हैं। और उसके अलावा भवन के निर्माण के लिए 14 करोड़ 87 लाख रुपए दिए, ये भी केंद्र सरकार ने दिए। और मैं यही कहूंगा कि आज उद्घाटन करके वहां पर जिस प्रकार से भाषण हुआ, जिस प्रकार से उनकी प्रेस में मीडिया में जो बाइट हुई, उसमें केंद्र सरकार का कोई भी जिक्र नहीं कर पाए। यह हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है उस दृष्टि से। आईजीएमसी में पार्किंग की व्यवस्था करना, जिसके लिए बजट का प्रावधान हमने किया। आईजीएमसी में ओपीडी ब्लॉक, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो शुरू किया गया था, ठेकेदार को पैसे नहीं मिल पा रहे थे, हमने बजट का प्रावधान किया, और बजट का प्रावधान करने के बाद उसको तैयार किया, तैयार करने के बाद विधिवत उसका उद्घाटन किया। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, उसमें उद्घाटन करने के बाद फिर उद्घाटन करने के लिए सुख जी एक बार फिर से वहां पर आईजीएमसी में ओपीडी ब्लॉक में शायद गए थे, और कहा कि उद्घाटन के बाद जो है हम काम की शुरुआत करने के लिए गए थे वहां पर। तो ऐसी स्थिति में बड़ी हास्यास्पद स्थिति बनती है कि आप योगदान आप विकास में हिमाचल प्रदेश में देने में पूरी तरह से असफल रहे, लेकिन अपनी पट्टिका लगाना, इस पर आपको बहुत ज्यादा जल्दी भी है और बहुत ज्यादा आपको आनंद भी आता है। शिमला का हमारा ये जो सुपर स्पेशलिटी चमियाना का हॉस्पिटल, जिसके लिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया, और पैसा देने के बाद काम की शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद उसके बाद जो है उसका उद्घाटन भी हमने किया। इस बात को लेकर के मुझे थोड़ा जरूर यह है कि जल्दबाजी में शायद मुझे लगता है कि उस स्थान का चयन जो है वो जो आवश्यकता के अनुसार जिस प्रकार से होना चाहिए तो उसमें जल्दबाजी हुई है, और जहां भवन बनाया गया है वहां अब स्थिति यह है कि वहां फंक्शनल करने के बाद उसको फिलहाल फिर से रोक दिया गया है। रोकने की वजह, पिछले 2 वर्ष से कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर शायद मेकल 2 या 2.5 किलोमीटर की सड़क का एक पैच बनना था, थोड़ा उसको कनेक्ट करने के लिए, उस सड़क को नहीं बना पाई, और जिसके कारण अभी जो है वो आपने देखा होगा कि उसका काम जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाया है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में उस वक्त, मैं आज हेल्थ का विषय पर्टिकुलर ले रहा हूं, हमने हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में 500 डॉक्टरों की पोस्टें एक साथ निकाली थी कैबिनेट ने। इसलिए निकाली थी कि एक डॉक्टर 5 साल पढ़ाई करने के बाद, ऑल इंडिया टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, पढ़ाई 5 साल की करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद, वो सड़क पर बेरोजगार होकर के घूम रहा है। और हिमाचल की आवश्यकता है दूर दराज के इलाके में डॉक्टर पहुंचे, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर ढंग से मिले,
उस दृष्टि से 500 डॉक्टरों की हमने हिमाचल प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें 300 पोस्टें हमने भरी, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी एक भी डॉक्टर की पोस्टिंग हिमाचल प्रदेश में अभी तक और नहीं हो पाई। और प्रोसेस आने वाले समय में शुरू करने की बातें कह रहे हैं, लेकिन अभी तक भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक भी डॉक्टर की पोस्ट नहीं भरी गई। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बहुत बड़ी सुविधाएं यहां पर हिमाचल प्रदेश में लाना चाहते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। पिछले अरसे में हिमाचल प्रदेश के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा नहीं हुआ, और इन सारी बातों को लेकर के वो जगहंसाई कर रहे हैं अपनी। हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य की सुविधा देने की जो शुरुआत हुई थी हमारी सरकार में, मुझे लगता है कि आज से पहले किसी सरकार के समय में नहीं हुई थी। हिमकेयर हमारी सरकार ने शुरू किया हिमाचल प्रदेश में, और हिमकेयर का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य यही था गरीब लोगों को इलाज करने में मदद कर सके, उनकी मदद हो सके। और हिमकेयर 2 वर्षों से जो है वो कांग्रेस की सरकार, सुक्खू जी की सरकार ने ऐसा जो है वो इलाज करने वाली जो चीज थी उसको ही अपाहिज करके रख दिया है, और ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि हिमाचल प्रदेश में आज लगभग 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा जो है हिमकेयर का देने को है, लेकिन उसके बावजूद हिमकेयर और आयुष्मान भारत का देने को है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो पैसा नहीं दिया गया। कल भी मुझे फोन आया, हिमकेयर का कार्ड है लेकिन डॉक्टर इलाज करने से मना कर रहे हैं। मना इसलिए कर रहे हैं कि लेना बंद कर दिया। प्राइवेट सेक्टर में इसलिए हमने हिमकेयर की शुरुआत की थी क्योंकि बड़े लंबे समय तक पेशेंट को अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए इंतजार करना पड़ता था। अल्ट्रासाउंड की डेट 2 महीने की मिलती थी, MRI की डेट 3 महीने की मिलती थी, CT स्कैन की डेट इससे भी ज्यादा लंबे समय के लिए मिलती थी। इसलिए जो मरीज है उसकी पीड़ा का समाधान हम जल्दी से जल्दी कर सके, उसको स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल सके, इसलिए हमने प्राइवेट सेक्टर में भी जो आयुष्मान भारत के रेट्स है उसके रेट्स पर हमने सुनिश्चित किया था कि हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर के अंतर्गत भी हम लोगों को मदद करने की बात करेंगे। तो इस तरह से हमने इस योजना को भी हमने शुरू किया। ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही दौर चला है, जो चले हुए काम, चली हुई योजनाएं उनको बंद करना, और इसके अलावा जहां भी कोई जगह ऐसी मिलती है टैक्स लगाने के लिए उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। आज ये स्थिति बन गई कि एकमात्र हवा बच गई टैक्स के बिना, अन्यथा हवा के अलावा सारी चीजों पर टैक्स लग गया। और ऐसे में आपने इस चीज को भी देखा होगा कि जो टॉयलेट पर जो टैक्स की बात हुई, अब उस बैकडेट से चिट्ठी निकाल दी 21 सितंबर की चिट्ठी निकाल दी, जिसमें क्लैरिफाई कर दिया और कि भी नहीं लेंगे, निरस्त कर दिया, रोक दिया गया। लेकिन आखिरकार यह हकीकत है, हिमाचल प्रदेश में जो है आपने अपनी मंशा तो जाहिर कर दी कि टॉयलेट पर भी टैक्स लगा करके एक गरीब आदमी को भी जो है वो 25 रुपए महीने का, अगर एक टॉयलेट है किसी घर में 4 है तो 100 रुपए उसका जो है उसको पैसा वसूल किया जाएगा। आप ये टैक्स लगाए जा रहे हैं बिना सोचे समझे लगाए जा रहे हैं। पूरे देश भर में स्वच्छता का अभियान चल रहा है, और स्वच्छता के अभियान में जो हम गवर्नमेंट की ओर से, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो टॉयलेट दिए जा रहे हैं, अब आपको क्या संदेश देने जा रहे हैं कि टॉयलेट पर भी टैक्स लगा करके इस प्रकार से लोगों के ऊपर वसूली की जाएगी? पूरे देश में जगहंसाई इस तरह से हुई है। मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है वर्तमान, हर दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर हास्यास्पद बनी है। ये कैसी सरकार है? और ये सरकार कभी सोच समझ करके फैसले कब लेती है? जैसे जैसे वक्त बीतता है सत्ता में आने के साथ साथ में, तो मेरा मानना है कि अनुभव आदमी के पास बढ़ता जाता है, और अनुभव के आधार पर फैसले जो होते हैं वो मैच्योर फैसले होते हैं, स्थायी फैसले होते हैं, प्रदेश की जनता के लिए लाभकारी फैसले होते हैं। लेकिन हमें इस बात को लेकर के हैरानी है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार का कार्यकाल 2 साल का पूरा हो रहा है,
लेकिन अभी तक भी अपरिपक्वता का परिचय हर एक फैसले में आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर के मुझे अपनी ओर से प्रमुख रूप से इसी विषय पर बात करनी थी, तो मैंने आप सब के सामने बात कही। बाकी टैक्सेस के बारे में अगर मैं कहूं तो बहुत लंबा है। सीमेंट पर टैक्स लग गया, पानी पर टैक्स लग गया, बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी लेकिन उसके बावजूद 125 यूनिट भी बहुत बड़े सेक्शन से विड्रॉ कर दिया, और उसके साथ सीमेंट का तो हैरानी की बात है कि 120 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से 2 साल के कार्यकाल में इंक्रीज हुई है। ये बहुत बड़ी इंक्रीज हुई है। घर बनाने के लिए जो नक्शे बनाए जाते हैं उसमें 5 गुना इंक्रीज की गई है। राजस्व की जो जुड़ी सेवाएं जो है उसमें 4 गुना से पहले 4% लगता था, उसको 10 गुना बढ़ा दिया गया, ये भी आपने देखा होगा। और स्टाम्प ड्यूटी जो है वो उसको भी 10% इंक्रीज किया गया, 10 गुना उसको भी बढ़ा दिया गया। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि तुगलकी फरमान हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से हो रहे हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत बुरी तरह से पिसी जा रही है। सर आपने खेल और खिलाड़ियों पर भी टैक्स, हाँ खेल और खिलाड़ियों का, वो भी टॉयलेट टैक्स के साथ साथ खेल और खिलाड़ियों पर, उस पर भी जो है जो वहां पर क्वालिफाई होने के लिए जो टैक्स देते हैं उस पर भी जो है वो ग्राउंड के लिए जो है उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। ग्राउंड टेस्ट के लिए उसके लिए भी जो है उनके लिए टैक्सिंग हो गई। ये भी एक नई एडिशन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हुई है, और मैं समझता हूं आज हिमाचल प्रदेश में रोजगार बंद है। कर्मचारी चयन आयोग बंद कर दिया गया था, 2 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद अभी तक उसको फंक्शनल नहीं कर पाए। और इसके अलावा बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय यह बना है कि बहुत बड़े स्तर पर मंत्रियों के स्तर पर, विधायकों के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर भ्रष्टाचार जो है हिमाचल प्रदेश में संरक्षित होकर के बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 2018 में जो पूर्व की सरकार थी उन्होंने टोले टैक्स लगाया था। देखिए वो नोटिफिकेशन निकाले, हमारी सरकार ने कोई भी टोले टैक्स नहीं लगाया था। हमारी गवर्नमेंट के दौरान सिर्फ इतना ही हुआ था, शिमला कॉरपोरेशन के सिलसिले में एक फैसला ये लिया था जो वाटर चार्जेस की इंक्रीज करने के लिए अगर कॉरपोरेशन उसको पारित करे तो 10% जो है वो इंक्रीज करने के लिए उस पर प्रावधान रखा था, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का कोई फैसला ऐसा नहीं था कि भाई उसमें गवर्नमेंट तय करेगी, लेकिन वो कॉरपोरेशन के इस पर छोड़ा था। लेकिन इसके अलावा तो कोई इस तरह की बात नहीं है। पर हर सेक्टर को भी मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरा सरकार जिम्मेदार है। मैं इस बात को तो इसलिए मैं आज सारी चीज को लेकर के प्रमुख रूप से मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। आपने आते ही बहुत सारी घोषणा की थी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि हम बहुत सारी चीजें करेंगे, और खास तौर से आपने कहा कि जो रोबोटिक सर्जरी को हम प्रमोट करेंगे। आपने हिमाचल प्रदेश में कहा था कि हम जो है वो यहां पर पैट स्कैन जो है हर डिस्ट्रिक्ट में लगाएंगे, वो एक मजाक का विषय भी बना था, अभी तक आईजीएमसी में भी लग नहीं पाया है। हमारी सरकार ने उसकी शुरुआत की है और वो काम अभी इन प्रोसेस है, मुझे लगता कि पूरा होगा। लेकिन मैं इतना जरूर पूछना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ। उसके बाद हमने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उनको कहा था, बाकी तो आप छोड़िए, जो एमरजेंसी है एमरजेंसी में सुविधाएं देने के लिए जो एक बेड पर 3-3 पेशेंट होते हैं उस पर क्या किया। अभी मैं कुछ दिन पहले गया था आईजीएमसी में, यही स्थिति थी, एक बेड पर 2 मरीज, एक बेड पे 3 मरीज, ये स्थिति वहां पर, यानी कि आईजीएमसी की मैं बात कर रहा हूं, जो बिल्कुल जहां जो शिमला में हमारा बिल्कुल प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान एक तरह का है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जितनी भी बातें उन्होंने कही थी एक एक बात को लेकर के
प्रगति आज की तारीख में 2 साल बीतने के बावजूद भी शून्य है। हिमाचल स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां आगे बढ़ रहा था उसमें और पीछे हुआ है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट आदरणीय मोदी जी की देन है। हमारे मेडिकल कॉलेजेस हिमाचल प्रदेश के जो है 3 मेडिकल कॉलेज हमारे चंबा, नाहन और हमीरपुर का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो इस बात को लेकर के हमेशा दावेदारी करते कि ये हमने ही किया है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य की सुविधाएं अगर सबसे खराब दौर में से गुजर रही है तो वर्तमान सुक्कू जी की सरकार में गुजर रही है। सर, कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि जो प्रदेश के भाजपा के नेता है, केंद्र से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल, रुकवाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ओपीएस की राशि, इसके अलावा जो जीएसटी का पैसा, बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है उन्होंने। देखिए, मैं एक बात को लेकर के, अब मुख्यमंत्री जी अब कब तक इस गीत को गाते रहेंगे, कब तक इस बात को लिए रोते रहेंगे। जो केंद्र से प्रदेश के लिए जो मदद मिल रही है बिल्कुल लगातार मिल रही है, उनको आभारी होना चाहिए कि अगर आज पेंशन कर्मचारियों के दे रहे हैं तो उस वजह से दे रहे हैं क्योंकि केंद्र से जो जीएसटी का जो हमारा जो टैक्सेस का जो हमारा शेयर होता है, स्टेट शेयर होता है, वो मिलता है और लगभग 750 करोड़ रुपए महीने का जब आता है तो उससे वो पेंशन दे पाते हैं। और 550 करोड़ के लगभग जो हमारा आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा केंद्र से आता है तब जाकर के वो कर्मचारियों को सैलरी दे पा रहे हैं। अगर केंद्र सरकार मदद ना करे, अगर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा बंद हो जाए, अगर टैक्सेस का जो स्टेट का शेयर जो है वो प्रदेश को समय पर ना मिले, ना कर्मचारियों को सैलरी, देर की तो बात छोड़िए, कर्मचारियों की सैलरी बंद हो जाएगी और पेंशनर्स की पेंशन देने की स्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं हो पाएगी। इस बात को उनको समझना पड़ेगा। और आज तक के इतिहास में अगर केंद्र ने सबसे ज्यादा अगर मदद की है हिमाचल प्रदेश की, जो हमारा इंटरेस्ट फ्री जो 50 साल के लिए जो हमारा पैसा मिलता है, लोन मिलता है, वो 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को अभी तक मिल चुका है, जो कि हमारी गवर्नमेंट में, बीजेपी की गवर्नमेंट में जितना मिलता था उससे बहुत ज्यादा मिला, उनको बहुत ज्यादा मिला। 93,000 मकान हिमाचल प्रदेश को मिले हैं, 93,000 हाउसेज, और उसमें उसमें भी जो है प्रधानमंत्री जी के जो नाम के आगे चिप्पी लगा करके जो है उसको स्टेट की ओर से ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने ये दिया है, ये इस योजना को शुरू किया है। तो ऐसी चीजों को लेकर के बहुत हल्की बातें प्रदेश के सरकार के द्वारा की जा रही है और केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को लगातार पैसे दे रही है। ये आरोप बेबुनियाद है, सिरे से हम खारिज करते हैं। और ये रोना पहले दिन से चल रहा है, केंद्र मदद नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं अगर केंद्र मदद नहीं करता तो हिमाचल प्रदेश 4 कदम भी नहीं चल पाएगी।